एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का फोर्थ क्वेश्चन है। हमें दिया गया है HCF ऑफ 306 एंड 657, जो दिया गया है वो 9 दिया गया है, और LCM हमें ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो हमें मालूम है कि अगर दो संख्याएं दी गई है उनका HCF और LCM दिया गया, तो उसमें जो संबंध होता है वो क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम इजकल टू संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो हमें दिया गया है एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ कितना है, हमें दिया गया है 9 गुना एलसीएम, हमें नहीं दिया गया है, हमें एलसीएम जो है ज्ञात करना है, तो इसको हम एलसीएम ही रहने देते हैं। गुना एलसीएम बराबर है संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं का कौन सी है, 306 गुना 657। तो अब क्या होगा, हमें क्या करना है, सिंपल मैथमेटिक्स जैसे हम करते हैं, लेफ्ट साइड वाली चीज़ को अगर हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये गुना हो रहा है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, यानी कि 306 गुना 657 बटा 9 हो जाएगा। अब देखिए 6 जमा 3 कितना होता है, 9। तो विभाजकता नियम जो 3 का है कि कोई अगर संख्याओं का योग 3 से भाग होता है तो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी, तो 9 भी हमारा 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 एकम 3 0, 3 दूना 6। अब 2 और 1 कितना होता है, 2 जमा 1 3 होता है, इनके 102 भी 3 से भाग हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9 और 3 चौके 12, तो हमारा क्या बचा है, ये 34 गुना 657। तो हमारा एलसीएम 34 गुना 657 है, इससे हम गुणा करते हैं 657 गुना 34, 4 7 28 का 8 हंसल लगा 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 हंसल लगा 2, 4 6 24 और 2 26। अब 3 7 इसे मिटा देते हैं, 3 7 21 का 1 हंसल लगा 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 हंसल लगा 1, 3 6 18 और 1 19 का 9, 19 का 9 नहीं 19 ही लिखा जाएगा, इसे हम करेंगे आपस में ऐड, यह है हमारा रफक। तो ये 8 2 और 1 3, 6 और 7 13 का 3 हंसल लगी 1 9 और 1 10 और 2 12 का 2 हंसल लगी 1 1 और 1 2। तो यह आया हमारा 34 × 6 57 = 22 338। जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, हमारा एलसीएम जो है हमारा वो है 22 33 8, या 22338। इस प्रकार जो है हम इस प्रश्न को हल करेंगे।